दो मुख्तलिफ मंदिरों में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। बतारीख 25 मई को हबीब नगर पुलिस के अहलकारों ने नामपली पुलिस के ताउन से चोरी के महज एक घंटे के अंदर अंदर ही बदनाम जमाना शातिर चोर को कर लिया गिरफ्तार और इसके कब्जे से मसरूखा इमलाक यानी 36,650 रुपये की नकदी रकम और 60,000 रुपये मालियत के चांदी के जेवरात को भी बरामद कर लिया। हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत दो मुख्तलिफ मंदिरों में ये चोरी की वारदातें अंजाम दी गई। बतारीख 25 मई को तकरीबन सुबह 6:30 के करीब डायल 100 के जरिए एक कॉल मौसूल हुई जिसमें कट्टा मैसमा मंदिर डी क्लास हबीब नगर में हंडी से नकदी रकम की चोरी और माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का कॉल मौसूल हुआ, जिस पर SHO सईदा बाबू ने अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचकर मंदिर में मौजूद CCTV फुटेज की तस्दीक करते हुए मुलजिम की शिनाख्त की। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त 35 साल सुनील चौहान के तौर पर की गई। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसील। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें।